क्राइस्ट भाई ने तैयार किए तो ये। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद पे और आज मैं टेस्ट करने के लिए आया हूँ भाई मटका फ्राइज, जो के पापा फ्राइज जो है ना बहुत ज्यादा मशहूर। यहाँ पे एक नया कार्ट ओपन हुआ है तो मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा जबरदस्त मटका फ्राइज यहाँ पे बनाते हैं, तो मैं आज जो है ना मटका फ्राइज चेक करने के लिए आया हूँ। उनके मटका फ्राइज बनवाता हूँ, चेक करता हूँ और फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताता हूँ। साथ मौजूद है पापा जो कि पापा फ्राइज के ऑनर है। पापा अंकल बताएं कितने साल का तजुर्बा है आपका? तो आपने अपने बेटे को जो ये सारी चीजें बनाते हैं, आपको ये सारी चीजें बनानी आती है? आती है, बिल्कुल आती है भाई। अंकल को बेहतरीन बनानी आती है भाई। यहाँ पे अहद फार्मेसी उसके बिल्कुल सामने अंकल मौजूद है भाई। यहाँ पर आए, चेक करें और अंकल को सपोर्ट करें, नया नया कार्ड लगाए, बहुत बेहतरीन जायका है अंकल का। बस ये कहना चाहूंगा, बच्चा तो शुरू से मेरे साथ करने का कहता था, मैंने बोला बेटा पहले पढ़ाई पे तवज्जो दो, बाकी उम्र पड़ी है काम करने के लिए। तो वो तो मैं जब मैं औरंगाबाद में मेरा गोल्डन के नाम से ठीक है मैं वहाँ करता था, लेकिन फिर मैंने बच्चे को जब देखा कि अभी इसकी पढ़ाई हो गई, फिर वो जॉब वॉब करने लगा, फिर कहना पापा इस तरह करते हैं, तो मैंने कहा चलो इसके भी पहला मान लेते हैं। तो हम आए तकरीबन डेढ़ दो महीने यहाँ। तो आप औरंगी टाउन से आते? औरंगी टाउन से। और कौन सी जगह से? 12 नंबर चढ़ाई से। तो वहाँ पे भी आपका फ्राइज का काम है? मेरा भी वहाँ पे अभी भी है। हाँ, छोटा भाई लगाता है वहाँ पे। छोटा भाई लगाता है। तो आपने मतलब आप यहाँ पे स्टार्ट कर दिया? जी हाँ। चलो अल्लाह पाक बेहतर करेगा भाई, अंकल को सपोर्ट करना है आप लोगों ने। भाई मेरे जो है ना ये मटका फ्राई जो है ना वो भाई बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि भाई क्या क्या डाल रहे हैं, जरा बताते भी जाइएगा भाई। ये मटका फ्राइज के जो है वो सीक्रेट फ्लेवर्स होते हैं, बताने के नहीं है। ये तो अफगानी फ्लेवर होता है, नॉर्मल जो होता है सही है। ये एक सीक्रेट होममेड मसाला होता है हमारा, जो कि टेस्ट एनहांस करता है। ये सीक्रेट बताने का नहीं है, ये सिर्फ दिखाने का है। सिर्फ दिखाने का, देख लें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, बाकी हर मसाले पे लिखा हुआ है लेकिन उस पर नहीं लिखा हुआ। ठीक, ये पापा फ्राइज के पापा के हाथ का मसाला है। ये पापा फ्राइज के पापा का है। वाह, अच्छा इसमें जो फ्राइज की क्वांटिटी होती है कितने बंदे खा ले भाई? तकरीबन दो बंदे तो आराम से खा लेते हैं, लेकिन कभी कोई आके बोलता है कि भाई दो बंदों में पूरा नहीं हुआ, तो मतलब समझ जाएंगे वो नॉर्मल खाने वाले नहीं है। नॉर्मल खाने वाले। ये क्या क्या डाल रही है, सीक्रेट सॉसेस के बारे में नहीं बताएंगे? कुछ भी सीक्रेट नहीं है इसमें, मायो गार्लिक है, चिली गार्लिक है, रेसिपी सीक्रेट है इसकी, लेकिन नाम तो वही है इनके, मायो गार्लिक और चिली गार्लिक होता है। अब ये चिकन का क्या सीन है? चिकन भी होममेड है अपनी। होममेड है, ठीक है। इसके ऊपर से अगेन फ्राइज। वालेकुम अस्सलाम। देन क्रीम, चिली गार्लिक, मायो गार्लिक, देन फ्राइज। चिली गार्लिक। ये ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं बनेंगे ना? नहीं नहीं ये स्पाइसी नहीं है जी। ये आपका मटका हो गया रेडी, अभी ओवन में जाएगा तकरीबन 4 से 5 मिनट और उसके बाद रेडी टू ईट। मेरा जो है ना मटका फ्राई जो है ना वो रेडी होके आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं और भाई कुछ जो है ना दिखाने वाले हैं। भाई दिखा दें इसके अंदर फुल चीज़ी भाई मटका फ्राइज, ये देख रहे हैं आप लोग बेहतरीन मटका फ्राइज भाई ने तैयार किए। तो ये भाई ये एकदम ऊपर तक गई हैं और ये रिकॉर्ड कायम हो गया आज बेहतरीन पिज़्ज़ा फ्राइज, और एकदम लेयर्स ऊपर तक गई हैं। अब मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ, टेस्ट करके आप लोगों को टेस्ट बताता हूँ और रेट के हवाले से आप लोगों को बताता हूँ मटका, और टेस्ट करेंगे फिर आप लोगों को बताएंगे कैसा टेस्ट है अंकल का। चीज़ तो भाई फुल लोड डाली है अंकल ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा यू, और इसको थोड़ा सा यू।
ये देख बेहतरीन मटका फ्राइज, फ्राइज बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई जायका बहुत जबरदस्त आ रहा है, एक मुनफरिद जायका। अच्छा मटके की आप लोगों को पता है मटके की बात अलग होती है, तो मटके का भी एक टेस्ट आ रहा है। इसके अलावा लोडेड चीज़ इसमें इन्होंने इसके अंदर डाली है और इनके मुख्तलिफ सॉसेज इसके अंदर मौजूद हैं। बेहतरीन जायका भाई, एवन। तो भाई आप लोगों को अगर मटका फ्राइज चेक करने, ये आप देख सकते हैं फुल बड़े साइज का मटका है। आप लोगों को अगर मटका फ्राइज चेक करने हैं तो पापा फ्राइज यहाँ पे मौजूद है हुसैनाबाद पे, यहाँ पर आए टेस्ट करें। और इसकी प्राइस बताते हैं तो भाई ये मटका पूरा 400 रुपए का है और ये दो बंदों के लिए इनफ है। बेहतरीन इसका जायका और इसका साइज है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो को यहीं इख्तिताम पे देर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।